हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हाउ टू लारावेल कॉन्टैक्ट फॉर्म्स एंड ईमेल विथ मेल ट्रैप। किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म देखेगा, उसमें आप सबमिट करेंगे तो जिस भी कंपनी का मेल होगा उसमें वो सेंड होगा। ऐसा आपने देखा होगा, हर एक वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ऐसा कॉन्टैक्ट फॉर्म। आज हम देखने वाले वो कैसे वर्क करता है, कैसे मेल सेंड होता है, वो लारावेल में हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में। सबसे पहले मैंने मेरा जैम्प स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं मेरे जैम्प के इंसर्ट गया, ये मेरा जैम्प है। हम लारावेल में लेटेस्ट वर्जन में काम करें 10 में। एसटीडॉक के इंसर्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट है, योर प्रोजेक्ट नेम, ये मेरा प्रोजेक्ट नेम, उसको मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ले लेता हूँ। मैंने मेरा प्रोजेक्ट सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ले लिया, आप देख सकते हो। योर प्रोजेक्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट है, आपका भी प्रोजेक्ट का नाम होगा, उसको मैं रन कर लेता हूँ लारावेल में। CMD URL में जाके मैंने CMD ओपन की, देखो मेरा प्रोजेक्ट के इनसाइड मैंने CMD ओपन करी। इधर से आपने देखा होगा, ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, वो मैंने ले लिया है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब मैं मेरा प्रोजेक्ट को रन करूँगा, PHP Artisan सर। मैंने मेरा प्रोजेक्ट रन किया, देख सकते हो आप, ये मेरा प्रोजेक्ट रन हुआ। पूरी वेबसाइट मैंने HTML में, HTML को लारावेल में कन्वर्ट किया। ऐसे भी कई वीडियो मैंने बनाया, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम देखेंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म। इसको हम सबमिट करेंगे तो एडमिन को मेल जाएंगे, ऐसा हमको करना है। इस फॉर्म को मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। फॉर्म मैंने बना दिया है और पिछले वीडियो में आप देख लेना, ये मेरा फॉर्म है कॉन्टेक्ट फॉर्म, देख सकते हो। देखो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है मेरा पूरा का पूरा। अगर मैं इधर से पूरा फॉर्म रिमूव कर दूंगा, डिलीट मैंने कर दिया, आप देख सकते हो, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश करूंगा तो ये फॉर्म चला जाएगा, देख सकते हो फॉर्म चला गया। मैं कंट्रोल जेड करूंगा, फॉर्म आ गया, देख सकते हो आप, पूरा फॉर्म आ गया, आप मैं देख सकते हो। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कैसे हम करेंगे। सबसे पहले मैं इधर एक URL बनाऊंगा, URL कॉन्टैक्ट मेल, देखा आपने, URL मैंने बना दिया। मेथड में पोस्ट लूंगा, मेथड पोस्ट, इधर मैं CRF फिर लूंगा, CSRF, देख सकते हो। बाद में मैं इसको योर नेम है, योर नेम मीन्स ये नेम है, ये नेम प्लेस प्लेस होल्ड में, उसको भी मैं नेम दूंगा, नेम मैंने नेम दिया, आप जो भी नाम रखना चाहते। ये मेरा ईमेल आईडी है तो मैं उसको नेम में ईमेल लिखूंगा, ईमेल, आप देख सकते, और टेक्स्ट में भी ईमेल कर दूंगा, ईमेल है इसलिए। ये मेरा सब्जेक्ट है तो मैं नेम में सब्जेक्ट लिखूंगा, आप देख सकते हो, सब्जेक्ट मैंने लिख लिया सब्जेक्ट। और इसका नाम है मैसेज, तो मैं मैसेज ऑलरेडी सर लिख लिखा हुआ है नेम, तो मैसेज कर दूंगा, आप देख सकते हो। और ये बटन है, आप देख सकते हो, सेंड मैसेज नाम का बटन है, आप देख सकते हो। सभी का मैंने पहले URL दिया, बाद में मेथड पोस्ट की, ये लिखा, आप देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सभी का मैंने नेम दे दिया और फाइल को सेव कर दिया। नेक्स्ट टाइम ए URL को मैं कॉपिंग करूँगा और मैं नया राउट क्रिएट कर, राउट के इनसाइड web.blade.php, मैं इधर पोस्ट नाम का राउट क्रिएट करूँगा, आप देख सकते हो। मैं वहाँ से कॉपी करके लाया हूँ ना, मैं इधर पेस्ट कर दूँगा, आप देख सकते हो, ये नाम, ये नाम मैंने कॉपी किया था और इधर मैंने पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हो। मैंने कंट्रोल, आप जिस भी कंट्रोल में काम करना, नया कंट्रोल बनाना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कैसे नया कंट्रोलर बनाते हो, मैंने ऑलरेडी कंट्रोलर मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसमें ही वर्क कर लूँगा।
ये कॉपी किया, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, हम चैंड रखते हैं, चैंड मैंने रखा है, आप देख सकते हो। इसका मैं नया फंक्शन बनाऊंगा इस कंट्रोलर में जाके, होम कंट्रोलर कहाँ पे है मेरा, इसके अंदर से इनसाइड है, देख सकते हो ऐप के इनसाइड, कंट्रोलर के इनसाइड, होम कंट्रोलर, मैं इधर नया फंक्शन बनाऊंगा जो मैंने इधर नाम दिया है वो वाला, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप देख सकते हो। पब्लिक फंक्शन और रिक्वेस्ट, डॉलर रिक्वेस्ट, आप देख सकते हो। अब मैं इधर आपको डीडी मार के दिखा देता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट कॉल, और मैंने सेव कर दिया, सेव देख सकते हो। और मैं सारे मैं फॉर्म को रिफ्रेश, आप देख सकते हो मैंने नाम कॉपी करके इधर से लाया हूँ। पोस्ट मेथड लेना भूल गया, पोस्ट मेथड, पोस्ट मेथड लेना, मैं एम क्यू पी पोस्ट मेथड लिया, आप देख सकते हो पोस्ट मेथड ली, सब मेल लिया, देख सकते हो आप मैंने फंक्शन बनाया। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, हमारा सर्वर रन है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। अब मैं इसमें नाम लिखूँगा, देख सकते हो मैंने जीमेल बिल लिख दिया, सब्जेक्ट में टेस्ट, और मैसेज में एसएमएस, देख सकते, और मैंने सबमिट किया, आप देख सकते हो नेम आ गया, ईमेल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और मैसेज आ गया, देख सकते हो, और टोकन भी आ गया, देख सकते हो। हम नेक्स्ट करेंगे कैसे मेल सेंड करते हैं। सबसे पहले मैं एक इधर मेल नाम का फोल्डर क्रिएट करूँगा, देख सकते हो मेरा मेल नाम का फोल्डर नहीं है, ऐप के इनसाइड कोई फोल्डर नहीं है, तो मैं सर्वर पहले स्टॉप कर देता हूँ, मैंने स्टॉप कर दिया, आप देख सकते हो। मैं कमांड लिखूँगा PHP artisan make mail contact mail और एंटर, देख सकते हो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो आप। मैं जाके दिखा देता हूँ, मेल क्रिएट हो पहले नहीं था, मैंने कमांड लिखा बाद में ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो। देखो मेल कॉन्टेक्ट फॉर्म, देख सको तो पूरा पूरा का पूरा क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो। आपको ऐसा एरर दे रहा है तो आप खुद जाके भी क्रिएट करके सब कुछ लिख सकते हो, देख सकते हो, बाद में स्टॉप वीडियो करके करके आप भी लिख सकते हो। देखो आप लिख लेना मेल नाम का फोल्डर क्रिएट करना, इसके बाद ये लिखना, आपको मैं कमांड में एरर दे रहा है तो लिख लेना, बाद में मैं होम कंट्रोलर में जाऊंगा, ये रिमूव कर दूंगा। होम कंट्रोलर में जाके मैंने रिमूव कर दिया, आप देख सकते हो। मैं मेल सेंड करना था तो मैंने मेल लिखा, मेल लिखना है तो मेरे को इधर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा ऊपर, मैं इधर डिक्लेयर करूंगा यूज मेल, देखो मैंने ये यूज़ किया है मेल, क्योंकि हमको मेल सेंड करना टू, अब जो भी एडमिन होगा उसमें हमारा इधर ही वो मेल आईडी डालना है, जो भी बंदा इधर सेंड करेगा और किसको जाना चाहिए, वो एडमिन को जाना चाहिए, जो बॉस है उसको, कंपनी का मालिक उसको जाना चाहिए, तो मैं इधर इसका ईमेल डालना है, तो मैं अपना डालता हूँ imvipul@gmail.com, देखा, बाद में चेंड चेंड, अब देख सकते हो न्यू, मैंने न्यू फाइल क्रिएट किया वो आपने दिखा दिया है, ये वाले मैंने फाइल क्रिएट करी है मेल के इनसाइड, वो मैं कॉपी कर लूँगा नाम, और मैं इधर पेस्ट कर लूँगा। उसे भी डेटा किस में आ रहा था, इधर मैंने आपको लिख के दिखाया था ऐसे डॉलर रिक्वेस्ट करके, ऐसे मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा, वो मेरे को इधर लिखना है, ये मेरी मुकद देता हूँ डॉलर, इसमें आ रहा है सभी डेटा, इसमें आ रहा है, तो वो मैं इधर लिख दूँगा, बाद में मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और हमको किस में जाना है, रिटर्न रीडायरेक्ट, मेल जाने के बाद हमको वापस इस फाइल पे आना है, इस फाइल पे, तो हम ये URL कॉपी कर लेते हैं, इस पर डाल देते हैं, मेल सेंड होने के बाद फिर से वो इसी पेज पर आएगा, ऐसा हमने इधर लिखा है, आप देख सकते हो कोड किया है।
अब मेरे को इस फाइल को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को ऊपर इसका पाथ देना पड़ेगा। आप देख सकते हो यूज़ एप, कहाँ पे है मेरी फाइल, एप के इनसाइड, मेल, मेल के इनसाइड, कॉन्टैक्ट मेल, ये मेरी फाइल है। मैंने इधर उसका भी पाथ दे दिया, आप देख सकते हो कॉल किया है मैंने फाइल, देख सकते हो। अब मैं इस फाइल में जाऊँगा, इस फाइल में मैं इधर आपको जो भी नाम रखना, मैं यूज़र रखता हूँ, यूज़र ही मेल हमको सेंड करेंगे, मैं तो मैंने यूज़र रखा है, जो भी यूज़र सेंड कर रहा है तो मैंने यूज़र लिखा है, वो मैं यूज़र इधर डिक्लेयर करूँगा। आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, पब्लिक डॉलर यूज़र, आप देख सकते हो इधर मैंने लिखा है, डिक्लेयर किया है उसलिए लिखा। अब मैं इसमें डॉलर दिस यूज़र इज इक्वल टू डॉलर यूज़र, आप देख सकते हो, और क्लोज कर दिया, आप देख सकते हो। अगर आपको ये कमांड से नहीं होगा तो मैन्यूअल लिख सकते हो, पब्लिक फंक्शन बिल्ड, आप देख सकते हो इस तरह से काम करना है सब कुछ, रिटर्न डॉलर दिस मेक डाउन, मेक डाउन लिख दिया, सो लिख दिया। हमको किस में एक ईमेल नाम का हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसमें हम कॉन्टेक्ट अस कॉन्टेक्ट मेल, मैंने ईमेल लिखा है ईमेल, तो व्यू के इनसाइड मेरे को एक नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, व्यू के इनसाइड देखो, मैंने देखा व्यू के इनसाइड कोई ईमेल नाम का फोल्डर नहीं है, तो मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा, देख सकते हो न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया, देखो तो इधर शो हो गया, हो गया। इसके इनसाइड कोई फाइल नहीं है तो मैं ये फाइल क्रिएट करूँगा, देखो ब्लेड पी एस पी इनसाइड, जो मैंने नया फाइल क्रिएट किया, देखो आ चुका है नया फाइल, देखा आपने बड़ी आसानी से आ चुका है। हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट देखो कौन फिंग एप डॉट नेम, एप का नेम क्या है वो जाएगा इसमें, वो ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कहाँ से नेम जा रहा है। हम कौन सा यूज़ करें, कॉन्टैक्ट फॉर्म तो हम डॉट करेंगे और क्लोज कर देंगे, देख सकते हो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट यूज़, आप देख सकते हो उसको मैंने क्लोज कर दिया और फाइल को मैंने सेव कर दिया। एप नेम, एप नेम हमने क्या दिया है, अब दिखा देता हूँ। हम सबसे पहले एएनवी में जाएंगे, एएनवी मैंने क्या नाम है, लारावेल, तो हम भी उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लारावेल मैंने लारावेल ही रहने दिया है, आप देख सकते हो एएनवी में जाके एएनवी है उसमें मैंने ओपन कर दिया, देखो एएनवी में है लारावेल, वो मैं क्लोज कर देता हूँ, आपने देख लिया सारा का सारा कोड इस तरह से होगा। अब हमको ईमेल की चैटिंग करनी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। हम एएनवी में जाके हमको इधर ईमेल की चैटिंग करनी है, क्यों देख सकते हो, इसको जाने के लिए मैं मेल ट्रैप ओपन कर लेता हूँ, मेल ट्रैप, मेल ट्रैप, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, मेल ट्रैप आ चुका है, देखो मेल ट्रैप मैंने लिखा है, देखो मेल ट्रैप ला रहा है, उसमें मैं जाऊँगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है मेल ट्रैप डॉट आई ओ, देख सकते हो, उसमें मैं लॉग इन करूँगा। अगर आपके पास जी मेल का है डिटेल तो आप जी मेल भी डाल सकते हो, मेरे पास मेल ट्रैप है, मैं आपको मेल ट्रैप में से दिखा देता हूँ। इधर माई इनबॉक्स में मैं गया, हम लारावेल लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हैं 10, देख सकते हो इस पर, इधर से मैंने इंटीग्रेशन में से मैंने लारावेल सिलेक्ट किया, देख सकते हो। अब एस एम टी पी, एस एम मेल ट्रैप एस एम टी पी, हम देखेंगे ई एम टी में एस एम टी पी सही है। इधर क्या लिखा है मेल पे, इसे वो होस्ट नेम की जगह पे हम ए डाल देंगे, जो देखो मेल होस्ट, मेल होस्ट देख सकते हो, मैं ए डाला, ए
2525 है पोर्ट नंबर, हम वही डाल देते हैं 2525, देख सकते हो ये यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम की जगह पे ना ले तो हम यूज़र नेम डाल देंगे, इस पर भी हम ये डाल देंगे, देख सकते हो टी एल एस है, देख सकते हो टी एल एस, और इधर जो भी मेल आईडी है वो मैं मेरा मेल आईडी डाल दूँगा। मेरा मेल आईडी कौन सा है आप देख सकते हो, ये मेरा मेल आईडी है, वो भी मैं इधर डाल दूँगा, देख सकते हो मैं वो एप नेम है, एप नेम इधर से आ रहा है, देख सकते हो लारावेल नेम, देख सकते हो ये मैंने नेम चेंज कर दिया, देख सकते हो वो एप नेम इधर से आ रहा है, देखा आपने वो एप नेम इधर भी जा रहा है, देख सकते हो एप नेम, ए नेम वाला है वो। अब हम स्टेट कर लेते हैं, चैटिंग कर लिया, इधर कोई मेल नहीं है आप देख सकते हो, कोई मेल नहीं है 10 डे अगो से, हम आज ही देखेंगे ये पेज, में रिफ्रेश करता हूँ, मैंने वो सर्वर स्टार्ट करना भूल गया हूँ, मैंने एक कमांड लिखा था बाद में, मैंने सर्वर स्टार्ट नहीं किया है, मैं सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, आर्टिसन सर, देख सकते हो एंटर कर दिया मैंने, सर्वर स्टार्ट कर दिया और एक ए लाइन को कॉपी कर लिया, और इधर है मैंने रिफ्रेश किया, देख सकते हो ये पूरा का पूरा आ चुका है। अब मैं इधर मेरा नाम डालूँगा विपुल पटेल, ये मेरा कुछ भी आप नाम डाल सकते हो, कुमार डी @gmail.com। अभी नहीं होगा क्योंकि हमको एक स्टेप लेना बाकी है, मेल के ईमेल इनसाइड हमें एक नई फाइल बनाई, देख सकते हो ये वाली फाइल कौन, ईमेल के इनसाइड हमने एक नई फाइल बनाई, देख सकते हो उसमें हमको लिखना है पी, पी तक मतलब पैराग्राफ पे, उसमें हम लिखेंगे नेम, नेम में इनसाइड आएगा हमने क्या नाम दिया है इधर, इसमें डॉलर यूजर देख सकते हो, तो हम डॉलर यूजर लिखेंगे, उसको नेम दे देंगे, सही बात है। हम दूसरा भी ऐसा 3-4 कॉपी कर लेते हैं, देखो अब देख सकते हो हम कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाएंगे, सबसे पहले था योर नेम, ये वाला योर नेम है, देख सकते हो इधर मैंने योर नेम लिखा, दूसरा वाला क्या है योर ईमेल, देख सकते हो योर ईमेल, तीसरा क्या है सब्जेक्ट, देख सकते हो मैंने सब्जेक्ट लिखा, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ऐसा नहीं यही नाम लिखे, ये तो मैंने देखने के लिए आपको लिखा, ये मैसेज है योर नेम की जगह पे योर नेम, नेम क्या है ईमेल है, ईमेल में कहाँ पे ईमेल, देख सकते हो, और इसमें सब्जेक्ट नेम क्या है सब्जेक्ट, देख सकते हो सब्जेक्ट, और इसमें नेम क्या है मैसेज, देख सकते हो सभी का कॉल कर दिया, मैंने नई फाइल बनाई थी इसमें भी, इसमें से मैंने ईमेल नाम का नया फोल्डर क्रिएट किया था, उसमें से मैंने ये सब कुछ लिखा है, आप देख सकते हो, और मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, इस पेज को देख सकते हो, ये मैंने लिख दिया नाम, ये भी लिख दिया सब्जेक्ट में, लिख दो सब्जेक्ट मैथ, मैसेज में लिख दिया होता हो इंडिया, मैसेज में मैंने इंडिया लिखा और मैं इसको सेंड कर देता हूँ, इधर कोई मेल नहीं आपको दिख रहा, देखो इधर ये मैकडाउन में कुछ इश्यू है, मैं देख लेता हूँ क्या इश्यू आ रहा है, देख लेता हूँ इश्यू को, इश्यू हम सोल्व करेंगे, रिटर्न डॉलर दिस मेक मार्क, मार्क है मार्क, हम इधर भूल गए आर लिखना भूल गए, मार्क मार्क डाउन, देख सकते हो मेरा इधर स्पेलिंग मिस्टेक था, ये स्पेलिंग मिस्टेक था मेरा, वो मैंने सही कर दिया, अब मैं बैक जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक था और कुछ नहीं था, मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया, आप देख सकते हो मैंने पूरा पेज रिफ्रेश कर दिया, उसमें मेरा जो भी डालो एरर सॉल्यूशन रेड नेम डाला एरर @gmail.com, कुछ भी डाल सकते हो, सब्जेक्ट में मैं मैथ डालूँगा
मैसेज नहीं, मैं एसएमएस डालूंगा और सेंड करूंगा, देख सकते हो मैंने सेंड किया। अभी कोई मेल नहीं है, ये देखो कोई मेल नहीं आया अभी तक, इधर मैंने सेंड किया, आप देख सकते हो सक्सेसफुली सेंड हो गया मेल। अब देखते हैं इधर कोई मेल आ गया, देखते हैं मेल, देखो मेल आ गया, कॉन्टेक्ट मेल। अब फ्यू सेकंड को देख सकते हो उन्हें क्या लिखा, एरर सॉल्यूशन लिखा था, ये मेल लिखा था, ये मैच लिखा, सब देख सकते हो, सब कुछ आ गया, देखो शो एडर देख सकते हो, सब कुछ है, देखो कहाँ से आया है, सब कुछ इसमें आ जाएगा, आप देख सकते हो ये मेरा एस्टिमेट में इसमें आया मेल, आप देख सकते हो टोटल वर्क हो चुका है। मेल कैसे सेंड करते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा, दूसरा मेल सेंड करके दिखा तो ये प्लगिंग है ऑटो फिलअप का, ये वो मैंने फिलअप कर दिया, ऑटो फिलअप का प्लगिंग है, देख सकते हो, और मैंने सेंड कर दिया, देखो ये वाला सब कुछ मेरे को नया नया मेल आएगा, ये मैंने सेंड कर दिया है, सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, आप देख सकते हैं नया मेल आ गया, देखो जो भी लिखा था वो ही इसमें आ गया, देखो आ गया योर नेम सब कुछ। इस तरह से मेल ट्रैप में मेल आते हैं, सब कुछ देख सकते हो, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में सभी को एडमिन की जाएगी। अगर आप अपना मेल इधर लिख देते हो तो आपके मेल में जाए, जो भी मेल इधर लिखते हो इसमें जाएगा, और इसमें जीमेल का सेटिंग आप कर लेते हो जीमेल का तो जीमेल में जाएगी। मैंने मेल ट्रैप का सेटिंग किया, आपको जीमेल का सेटिंग करना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, जीमेल को जीमेल में कैसे मेल भेजे वो भी देख लेना है। ये मेल ट्रैप के बारे में था, आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क किया है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, जब भी मेरी वीडियो नहीं आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।